देखते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में कह रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा करने कहने का मतलब है गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, उससे क्या करना है पाँच बटे अठारह को गुणा करना है। कहने का मतलब है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है -7/72 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो दूसरे सवाल में हम लोग चर्चा किए हैं कि गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो जो चिन्ह दिया हुआ है, यह किस चीज़ का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है तो गुणन प्रतिलोम भी माइनस का ही होगा। बताया थे कि जब धनात्मक संख्या रहे तो धनात्मक गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम होगा, जब ऋणात्मक संख्या रहे तो गुणन प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। तो यह माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब करना क्या है हमको कि हर को कहाँ ले जाना है? अंश में। तो जो नीचे वाली संख्या है वो चला जाएगा ऊपर, नीचे है 72 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला संख्या जो अंश में है वो आ जाएगा क्या? नीचे। तो -7/72 का गुणन प्रतिलोम, या इसको व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, कहते हैं व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा? -72/7। अब यह तो निकाल लिया व्युत्क्रम, तो इसको 5/18 से गुना करना है। तो प्रश्न से क्या करना है? प्रश्न से करना है हम लोगों को 5/18 को -72/7 से गुना करना है, और गुना करने के बाद हम लोगों को आंसर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। कुछ नहीं दिया हो मतलब प्लस होता है, प्लस का चिन्ह। जब भी प्लस गुने माइनस होता है तो हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। अब 5/18 को गुना करेंगे 72/7 से, यहाँ का चिन्ह जो है माइनस का क्या कर दिए हम लोग? आगे कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 18 से भाग देंगे 74 में तो 4 मरतबे कटेगा, और कहीं कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, और ऊपर अंश को जब गुना की, जब भिन्न का गुना करते हैं तो अंश को अंश से गुना करते हैं, मतलब ऊपर वाला को ऊपर से गुना करते हैं और नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं। तो 18 में जब भाग दिए 18 से, तो ये एक मरतबे कटेगा, यहाँ 4 मरतबे कटेगा 72। अब और कहीं कटने से रहा, इसलिए हम लोग अब ऊपर वाले ऊपर गुना करेंगे, तो अंश में 5 है या 4 है, तो 5 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 5×20, और नीचे गुना करेंगे 1 और 7 में, तो कितना जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पे अब तो कटने से रहा, तो यहाँ पे हम लोगों को सरल करना है। भिन्न को सरलतम रूप में करने के लिए आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, नहीं तो आइए जानते हैं कि कैसे इसको सरल करेंगे। तो भिन्न को सरल कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग भिन्न को सरलतम रूप में? यहाँ भिन्न हमको दिया हुआ है -20/7, तो क्या करते हैं? जब ऊपर बड़ा रहे, अंश बड़ा रहे, अंश क्या रहे? बड़ा रहे, और हर छोटा, तब यह सरलतम रूप में नहीं है। इसको क्या करना है हम लोगों को सरलतम रूप में करने के लिए? हर से मतलब 7 से भाग देना है अंश में, यह सरलतम रूप में नहीं है। तो हर से अंश में भाग देंगे तो 7/20 में भाग देंगे, तो 7/20 में भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा? 2 मरतबे लगेगा, 7×2=14, अंश कितना हो जाएगा? 10/20 में से 14 कटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यह हो जाएगा अंश, यह आ जाएगा हमारा शेषफल। तो शेष आ गया इस, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो भागफल आ गया है उसको यहाँ लिखेंगे 2 पूर्णांक, और उसके बाद अंश को लिखेंगे ऊपर 6, और हर रह जाएगा नीचे। यह हो गया इसका सरलतम रूप पूर्णांक के रूप में, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 पूर्णांक 6/7। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था
कि जो आंसर आया था, आंसर आंसर कितना आया था, -20/7। तो इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे, -2.6/7, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग भिन्न को सरलतम पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। हम लोग यह भी सीख लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि -1/3 × 1/2 × 1/4 यह कोष्ट में है, बराबर कहता है -1/3 × 1/2 यह कोष्ट में आ गया, प्लस कहता है -1/3 × 1/4 यह कोष्ट में, के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रमेय संख्याओं का बंटन नियम, वितरण नियम क्या कहता है कि जब दो प्रमेय संख्या, मान लिया कि ए, जब भी प्रमेय संख्या का गुणनफल दिया रहे, ए बी को C/D (E/F), अगर इस तरह से दिया हुआ है कि एक कॉमन है, A/B क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग दोनों में गुना करके लिखते हैं, A/B × C/D, आप प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस देंगे, और A/B × E/F, इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो यह हमारा बंटन नियम कहलाता है। यह कौन सा नियम कहलाता है, बंटन नियम। तो क्या आप देखते हैं हम लोग कि यह जो दिया गया प्रश्न है इस नियम पर आधारित है कि नहीं। तो यहाँ देखिए -1/3 रखते हैं शुरू में, गुना इसको 1/2 लिख दिए, +1/4 कर दिए। अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पर A/B को एक बार इससे गुना करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको इससे एक बार गुना करते हैं, तो -1/3 × 1/2 इसको कोष्ट में कर दिए, ठीक है, फिर बीच में किसका चिन्ह, प्लस का, प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इससे गुना किए हैं तो यहाँ लिखे हैं, प्लस कर दिए हैं, जो पे यहाँ प्लस का चिन्ह है, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ आएगा, और 1 बार किससे गुना करेंगे, इससे, तो A/B × E/F। अब हम लोग एक बार किससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो -1/3 × 1/4 हमको ये हल आया। तो क्या यह प्रश्न से मिलाइए, प्रश्न से मिलाते हैं तो इस नियम को क्या करता है, इस नियम को क्या करता है, पालन करता है। इसलिए कहेंगे कि यह जो दिया गया संख्या है, दिया गया समीकरण जो है किस नियम को पालन करता है, वितरण नियम या बंटन नियम को पालन करता है, वितरण नियम या बंटन, इसी को बोलते हैं हम लोग बंटन नियम का पालन करता है। यह हो गया हमारे आंसर। इस तरह से हम लोग पांचवें प्रश्न को भी हल कर लिए।